हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। तो दोस्तों, आप झारखंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के होल्डिंग टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को कैसे जमा करेंगे वो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी जाकर आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों, आप भी अपने मोबाइल से घर बैठे ही अपने टैक्स को जमा कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो यहाँ हमने अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है झारखंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे हम सर्च बार में क्लिक कर लेते हैं दोस्तों, झारखंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। सर्च करने के बाद आपको जो फर्स्ट में ऑप्शन मिलता है झारखंड म्युनिसिपल का, उसी ऑप्शन पे आपको जाना है। और दोस्तों, यहाँ पे हम उसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप झारखंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ से आप बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि पे प्रॉपर्टी टैक्स, होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स, और जो भी आपको यहाँ पे चेंजेस करवाने हैं वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम पे प्रॉपर्टी टैक्स और पे प्रॉपर्टी डिटेल्स और पे पेमेंट डिटेल्स की व्यूज़ को भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे वर्क करना है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें पे प्रॉपर्टी टैक्स करना है, तो यहाँ हम पे प्रॉपर्टी टैक्स को क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको प्लीज़ सेलेक्ट यूएलबी यानी कि प्लीज़ सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप झारखंड में जितने भी पंचायत है, नगर परिषद है, कॉरपोरेशन है, सभी के आप पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर पंचायत के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। आप जिस नगर पंचायत, जिस पंचायत और जिस कॉरपोरेशन से आते हैं उस कॉरपोरेशन को आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ धनबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आते हैं, तो यहाँ हम धनबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ ग्रीन बटन गो नाउ पे क्लिक करेंगे। गो नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा, जहाँ से आप सर्च प्रॉपर्टी को देख सकेंगे। यानी यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है वार्ड नंबर सेलेक्ट करने का, और सेकंड होता है होल्डिंग नंबर सेलेक्ट करने का। यहाँ पे आपको सारे वार्डों की जानकारी मिलेगी। यहाँ से आप अपने वार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और होल्डिंग नंबर को भी आप यहाँ पे आपको डालना होगा। अगर आपके पास होल्डिंग नंबर याद नहीं है तो आप अपने होल्डिंग नंबर को, अगर आपने पहले बिल पेमेंट किया है तो उसमें आपको होल्डिंग नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से अपने होल्डिंग नंबर को यहाँ पे डाल लेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपने होल्डिंग नंबर को डाल लेते हैं, डालने के बाद यहाँ पे आपको सर्च का एक ऑप्शन मिलता है, उसे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे ही आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स मिलती है तो लास्ट के कॉर्नर पे आपको एक व्यू का ऑप्शन मिलता है जो ब्लू कलर का होता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके जो प्रॉपर्टी है, डिटेल्स है, वो सही है या नहीं, और आपने कब तक पेमेंट किया है, लास्ट पेमेंट आपने कब किया है और कब से आपका ड्यू चला रहा है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ हमारा पेमेंट है जो 2010 के बाद नहीं हुआ है, यानी कि 2010 से हमारा यहाँ पे ड्यूज है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करके भी चेक कर सकते हैं पूरे ईयर में कहाँ कहाँ कितना पैसा लगा है किस ईयर में, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे जैसे बढ़ेंगे यहाँ पे चार ऑप्शंस मिल रहे हैं, 1, 2, 3 और नेक्स्ट। यहाँ से आप नेक्स्ट कर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे तीन ऑप्शंस और नीचे मिलते हैं, व्यू प्रॉपर्टी डिटेल्स, पे प्रॉपर्टी टैक्स और व्यू पेमेंट डिटेल्स। तो हमें यहाँ पे पेमेंट करना है, तो इसलिए हम पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पे पेमेंट पे। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके कितने ड्यूज़ हैं वो आप देख सकेंगे। यहाँ पे हमें 5481 रुपये पेमेंट करने हैं, जो कि 2010 के बाद पेमेंट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ से हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, आई एग्री टू टर्म कंडीशन पे। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन और मिलते हैं, ग्रीन और
ऑरेंज, तो यहाँ पे आपको ग्रीन ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी कि पे प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन पे। जैसे ही आप पे प्रॉपर्टी ऑनलाइन टैक्स पे क्लिक करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट पे करने के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, निफ्ट और RTGS के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको ना तो UPI मिलेगा, ना गूगल पे, फ़ोन पे, ना पेटीएम, ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मात्र ये चार ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और RTGS और निफ्ट। तो आप जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम को आप सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सारी कार्ड की डिटेल्स को डाल लेना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप को यहाँ पे लास्ट में OTP डालना होगा। जैसे ही आप यहाँ OTP डालते हैं, आपका प्रॉपर्टी टैक्स पेड हो जाता है और उसके बाद आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे, यानी कि प्रिंट आउट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप झारखंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टैक्स को जमा कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब